आज हमने आलू का पुलाव और ये प्यारा सा रायता बनाया है। तो आइए देख लेते हैं ये रायता और आलू का पुलाव किस तरह से हमने बनाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये सीजनल लहसुन है जो ठंडी में मिलती है। अगर आपके पास ये लहसुन ना मिले तो आप 10-12 कलियाँ सूखी हुई लहसुन के भी आप डाल सकते हैं। तो आज हम इसी लहसुन से पुलाव बना रहे हैं। ये हमने बड़े बड़े 3 आलू लिए हैं, इसमें हमें ढेर सारा हरा मसाला है और 1 इंच अदरक का जिसको हम कूट के डालेंगे, कड़ी पत्ता है, 5 हरी मिर्ची है इसको भी हम पीस के डालेंगे, 400 ग्राम हमने बासमती चावल लिया है इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगा के रखा है। तो आइए इसे बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू को छीलना है, तो आलू को हमने छील लिया है और इन आलू को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। पतले टुकड़ों में आप ना काटिए, क्योंकि पतले पतले टुकड़े करेंगे तो आलू के पीस टूट जाएंगे और अगर मोटे पीस रहेंगे तो ये पुलाव में बहुत बढ़िया दिखेंगे। तो बस इसी तरह से हमने सारे आलू को काट लिया है। अब हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, इसमें हमने 1/2 कप ऑयल डाला है। ये 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल है। लहसुन को हमने छील लिया है, लहसुन का सफ़ेद भाग को इस तरह से अलग किया, हरे भाग को अलग कर लिया है। अदरक को हमने कूट के रखा है, हरी मिर्ची को भी हमने कूट के रखा है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, कड़ी पत्ता है, 1 टेबलस्पून जीरा है साबुत, 1/4 चम्मच हमने हींग डाला है। तो आइए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जीरा डाल दिया है। ये बिगिनर्स रेसिपी है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। अब हम डाल रहे हैं हींग। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं लहसुन का सफ़ेद वाला भाग, हरी मिर्ची, अदरक, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब कड़ी पत्ता और ये हरा वाला भाग भी हम डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानो बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो इस लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सा कलर देना है। तो ये देखिए, ये हमारी लहसुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें हमने ये आलू डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी। फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा कम लगे तो आप इसमें हरी मिर्ची और ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें लाल मिर्ची ना डालें। लाल मिर्ची डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और हम इसे यही कलर को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसमें हमने ढेर सारा हरा मसाला डाल दिया है, हरा मसाले को भी हम इसे मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने डाला है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस आलू को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसे हम 7 से 8 मिनट तक इसे ढक्कन दे के धीमी आँच पर ही इसे पकाएंगे। तो ये हमारे 8 मिनट हो गए हैं। आइए इन आलू को हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये हमारे आलू बिना पानी के बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। आइए एक आलू को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे आलू एकदम परफेक्ट पक गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। तो ये सारे आलू को हम प्लेट में निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ये हरा मसाला डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसे इसी तरह से रोटी से भी खा सकते हैं, पर ये हम पुलाव बना रहे हैं तो इस मसाले में ही हम चावल डालेंगे। तो ये चावल को हमने इसमें डाल दिया है। चावल को हमें इसी मसाले में ही मिक्स करना है। अब हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें हरी मिर्ची डालना चाहो तो आप इसे हरी मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 कटोरी चावल की ली है तो हम इसमें 1.5 कटोरी
पानी डाल रहे हैं तो ये 1.5 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया है। अगर आपके चावल नए हो तो 1.25 कटोरी आप पानी डालिए। 1 टीस्पून नमक हमने डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। 1/2 गरम मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला हम आलू फ्राइड में डाल देंगे। इसे हमें मिक्स करना है। तो ये आलू फ्राई में हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये, ऐसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक और डाल रहे हैं क्योंकि ये सीज़न के हरे चने हैं। अगर आपको हरे चने ना मिले तो आप हरे मटर से भी इसे बना सकते हैं। सीज़न के लहसुन है, सीज़न के हरे चने हैं और हर सीज़न में आता है हरा धनिया। वो हरा धनिया हम कैसे भूल जाएंगे, हरा धनिया को भी हम इसमें डाल दिया है। तो बस इसे भी हमें थोड़ा सा चला लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने बनाई है। चावल पकना शुरू हो गया है तो इसे हम 10 मिनट के लिए तेज आंच पे ही रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि चावल हर तरफ से पक जाए। ये गैस को हमने तेज़ ही रखा है तो ये सारा पानी अब सूख गया है। इसमें हम ये सारे फ्राइड आलू इसके ऊपर डाल रहे हैं, गैस को हमने कम कर दिया है। तो ये सारे फ्राइड आलू जो कम पके हुए होंगे वो भी स्टीम में पक जाएंगे। बस आप भी इसे इसी तरह से सजा के रखिए और इसे हम ढक्कन दे देंगे। तो बस इसे हमें 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही पकाना है। तो आइए देख लेते हैं, ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। ये ढक्कन को खोला, ये हमारे आलू पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आइए इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए प्लेट में हमने सर्व किया, चावल भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो इसे हम डिश में भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में जब कोई सब्ज़ी ना हो तो बस इस तरह से आप आलू का पुलाव बनाइए। तो ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम पुलाव के साथ रायता बनाते हैं। तो रायता बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम दही लिया है, आप अपने हिसाब से दही का भी क्वांटिटी ले सकते हैं। रायते में हमने टमाटर डाला है, प्याज डाला है, काकड़ी है, काकड़ी के बीज को हमने निकाल दिया, टमाटर के बीज को भी हमने निकाल दिया है। 1 कटोरी अनार डाला है, 2 टेबलस्पून, 2 हरी मिर्ची काट के रखी है, 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी और ये हरा धनिया, शक्कर है 1/2 चम्मच, शक्कर हमने इसके लिए डाला है। नमक और शक्कर बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं और स्वाद तो बहुत बढ़िया आता है। तो इस दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है, बस इसे एकदम स्मूथ पेस्ट की जैसा बनाइए। तो ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, प्याज, ककड़ी, टमाटर और शक्कर, इन तीनों को हमने इसमें डाल दिया है। बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच नमक हम डाल रहे हैं, नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 टेबलस्पून हमने पानी डाला है। हरा धनिया हम कैसे भूल सकते, ये हमारी डिश की शान है। अब हम डाल रहे हैं ये अनारदाना। तो ये हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है और इसे देखिए ये काफ़ी गाढ़ा भी है। अगर आप इसे पतला चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हो। तो ये हमारा रायता और पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो, एक नई मुलाकात। तब तक के लिए बाय।